जी रूहानी एंड देसी इलाज में दोस्तों एक दफ़ा फिर कोबरा मिला है, तो ये देखें बिल्कुल खालस कोबरा, तो बिल्कुल ही खालस है, ऊपर से भी काला और नीचे से भी ये काला। हाँ जी सांप है जी, ये बच्चे भी पास जमा हो गए हैं, तो ठीक है सारे ही आ गए बच्चे, बहुत खालस दाना है, प्योर काला दाना। और तो इसके आगे इसकी मैं इंशाल्लाह जल्दी एक बूटी भी दे दूंगा, जो इसके काटने का त्रियाक है वो ज़बरदस्त तली पे सरसों जमाने के लिए, क्यों अल्लाह ताला ने हर जगह जो भी चीज़ पैदा की है जहरीली उसका त्रियाक रखा है, उसका तोड़ रखा है मालक ने, तो हमारे इलाके में वो काफ़ी बूटी है। मैं जल्दी इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी देता हूँ आपको कि वो इसके काटने पे इंशाल्लाह बस मरीज़ आप तक पहुँच जाए, तो बहुत आम सी बूटी मिलने वाली है, सादा सभी को इंशाल्लाह मिलने वाली है, वो आम बूटी मिलने वाली है, तो वो आप पास रखें, उसकी गोलियाँ बना के रखेंगे तो इंशाल्लाह शाम के काटने वाला आपके पास पहुंच जाए बस, तो अल्लाह के फजल से वो उसी टाइम में आंखें खोल देगा, इतनी अल्लाह ताला ने उस बूटी में ताकत रखी है। तो इसकी शिंगरफ भी बनाएंगे, इसका चांदी भी बनाएंगे और इसका तांबा भी बनता है, बेशुमार चीज़ें इंशाल्लाह आगे आगे जैसे जैसे आएंगी तो मैं आपको इसका लाइव बना के दिखाऊँगा कि किस तरह इसकी बनती हैं, बहुत ज़बरदस्त इसके जो नुस्खे बनते हैं ना बड़े पावरफुल बनते हैं और लाजवाब, उसका कोई तोड़ नहीं, इतने वो ज़बरदस्त बनते हैं। ये देखें बहुत अच्छी नस्ल का ये है और अभी नौजवान पट्ठा ही है, ये बड़ी उम्र का नहीं है, तो इसको अभी हंडी में बंद करेंगे, इसको एक ख़ास तरकीब से इसका कुश्ता करेंगे, तो इंशाल्लाह आगे आगे आने वाले वक्त में आपको मैं वो भी दूँगा। ये देखें इसका फन बहुत ही ज़बरदस्त है, अभी तो ये मर गया है ना, तो ये देखें आप, ये इसके पीछे जो यू पड़ा होता है ना, ये बहुत ही खालस यू इसके पीछे पड़ा हुआ है, ये देखें बहुत ही इसकी, जब ये अगर ज़िंदा होता तो ऐसे आप देखते तो आप भी हैरान हो जाते कि इतना बड़ा यू और इतना खालस दाना। हाँ जी शुक्रिया जी।